तुम दिखा दो कि कितनी गंदी मैं रखती हूँ अपने बेड को बिहाइंड द मेकअप. वैसे मेकअप ट्यूटोरियल्स आपने देखे तो यू नो. तो बुआ रेडी होए और मैं केक कट करूँ, है ना? नहीं मतलब कि क्या कर रही हो बुआ? मैं रेडी हो रही हूँ बिकॉज मैं जा रही हूँ केक कट करने. आज कंप्लीट हुए हैं 300K सब्सक्राइबर्स, इसलिए. और ये सब आपकी वजह से हुआ है? यस, ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है. तो बुआ बहुत खुश है एक्चुअली. सुबह सुबह बुआ कर बोल रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया. हम लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया. तो बुआ ने बताया कि उनके 300,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. तो फिर हम लोग भी खुश हो गए, हाँ ठीक है. लेकिन अब सेलिब्रेशन तो नहीं कर सकते थे. उसके बाद शाम को जब बुआ हमारे साथ खेल रही थी इंटरव्यू, तब बुआ की फ्रेंड का फोन आया और फिर उन्होंने बोला कि जल्दी से जाकर नीचे जो पार्सल है उसको लेकर आओ. और हम भी शौक गए क्या पार्सल है. उसके बाद फिर जब जाकर देखा तो वो इतना ब्यूटीफुल केक है कि हम आगे आपको दिखाते हैं वीडियो में. वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो देखकर बुआ का रिएक्शन ओ माय गॉड. और फिर से तब से बुआ बोल रही है अरे मुझे तो रेडी होना पड़ेगा ये कट करने के लिए, मैं तो रेडी होंगी. वैसे मैं ये व्लॉग शूटिंग करवाई थी, आई थिंक बहुत स्मॉल होगा, सिर्फ केक कटिंग का होगा. बट ये व्लॉग एक्चुअली मैं करने ही नहीं वाली थी, पर आर्या ने बोला कि नहीं मैं शूट करने वाली हूँ ये. तो मैंने बोला ठीक है यार, मतलब सिर्फ केक कटिंग होगा. बट केक कटिंग होगा लेकिन ये टॉक भी तो हो रहा है ना, वो भी आ रहा. हाँ वो सारी चीजें हैं. तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके. सब एंजॉयमेंट जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ शेयर करना चाहती है आर्या. मैं बोली कि सब लोग बनाते हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे? तो बुआ बोली कि बहुत कम है, मुझे और चाहिए. क्या और चाहिए? सब्सक्राइबर. नहीं 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 वो बात नहीं था. मैं बोली सिर्फ केक कटिंग का क्या हो भी, 3,00,000 सब्सक्राइबर ऑफ कोर्स बहुत बहुत बड़ी बात है. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही कि मीन्स कम है, बट फिर भी मैंने सोचा था कि लाइक 5,00,000 पे मैं केक वेक कट करूंगी. बट फ्रेंड्स लाइक उन लोगों ने सेंड कर दिया केक, तो मैं केक कट करने जा रही हूँ. बट सच में अच्छा लग रहा है. और हैंड ओवर टू आर्या ही बताएंगे. बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हो. यहाँ पर सबसे एक्साइटेड केक को देखकर, शायद आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा कि केक को देखकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन होता है, तो वो है ये लड़का. ये सबसे एक्साइटेड होता है और ये कब से वेट कर रहा है कि कब बुआ रेडी होए और मैं केक कट करूं, है ना? नहीं मतलब केक खाऊं. ये केक के लिए वेट कर रहा है. हेलो गाइस, मुझे बहुत मन कर रहा है खाने के लिए केक. छोटा है लेकिन बोल लेता है. छोटा नहीं हूं. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बुआ क्या कर रही है आप बिहाइंड द मेकअप. वैसे मेकअप ट्यूटोरियल्स आपने देखे तो यू नो. तो मैं सिर्फ एकदम बुआ मेकअप कैसे करती है. सबसे पहले बुआ यहाँ पर सब सारा सामान मेकअप का निकाल ले. पूरा बेड तुम दिखा दो कि कितनी गंदी मैं रखती हूँ अपने बेड को. ये देखिए सब मेकअप का सामान निकालने के बाद फिर बुआ अपना आज 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 आ रहा है मेरा रूम रिवील कर ही देगी. बहुत मैस रहता है मेरे बेड पे, लाइक शूट करती हूँ तो पूरा फैला देती हूँ. आज आ रहा है सब कपड़े के बॉक्सेस जो है उनको सब बुआ बेड पर निकाल के सारे कपड़े बेड पर लगा देती है. और जब मैं बोलती हूँ मैं कहाँ पर बैठूँ तो बुआ बोलेगी कि यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है तो यहाँ पर मत बैठो. बुआ ने बोला था कि मैं सिर्फ आईब्रोज बनाऊंगी और उसके बाद बुआ लाइनर लिपस्टिक सब लगाने लग गई. मतलब बुआ को कोई नहीं रोक सकता. और बुआ ना, और कल से मैं सोया था तो मैंने तो उठ गया था, इसलिए मैं कुछ ड्राइंग करने. तो अद्विक केक खाना है? हाँ. किस बात की ज्यादा खुशी है, केक खाने की या बुआ ने 3,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए उस चीज की? हाँ वो खाना है. तो खाना है ना? नहीं खाना अभी. क्यों, केक क्यों कट हो रहा है ऑडी? मुझे खाना है. आ रहे को खाना था इसलिए केक कट हो रहा है. ये कट हो रहा है ना, आपको भी खा लूंगा ऐसे में. आपको मेरा मोटा था, आपको भी खा लूंगा ऐसे में. केक लवर, केक लवर.
देख लो। मेरे हाथ नहीं खाली करने वर्चुअली हो रहा है केक कटिंग। वाओ क्या वर्चुअल केक कटिंग है। अरे बुआ मैंने तो खिलाया नहीं आपको, तो मैंने केक कट कर दिया। केक कटिंग हो चुकी है और खाना भी हो गया। एक्चुअली केक कटिंग के टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैंने फ्रेंड्स लोगों को यू नो वीडियो कॉल किया था, एंड एट दैट टाइम सब बोल रहे क्या हम लोग बोले हैप्पी बर्थडे करें या क्या करें, तो सब साइलेंट थे, बोले आंटी के सब क्लैप करते, तो शायद मैंने कैमरे में भी नहीं देखा ना, अरे आ रहा ही शूट कर रही थी शायद, मैं उसमें बोली हाँ ठीक है कट करती हूँ, तो मैंने जस्ट कट किया। And सोच रही हूँ कि इतना अच्छा सेलिब्रेशन और बस कट करके उठ के चली गई, तो क्या करती आ रहा मैं कट कर रही थी, बोली अरे सब है ऑनलाइन भी थे सब तो सब। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 300 के सब्सक्राइबर्स आप लोग की वजह से कंप्लीट हुए हैं। सो थैंक यू सो मच और मैं ये व्लॉग के लिए मैं आर्या को थैंक्स बोलती हूँ कि शायद मैं व्लॉग भी नहीं कर रही थी, बोली क्या अभी एक केक कट करने के लिए मैं क्या करूँ, बट आर्या बोली नहीं बुआ मैं व्लॉग करूँगी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है कर ले। आई जस्ट विश कि हमारा जल्द से जल्द मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और नहीं अभी 500 के रखते हैं, सो आई जस्ट विश कि 500 के जल्द से जल्द हो, तो हमारा टारगेट है 500। हाँ तो 500 के मैं डेफिनेटली मैंने सोचा था कि एक थोड़ा अच्छा सेलिब्रेशन करूँगी, बट और मुझे तो लगता है कि 500 के तक हमारा लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा, तो हम थोड़ा अच्छे या एग्जैक्टली 500 के तक आई विश कि यू नो सब कुछ खत्म हो जाए, लॉकडाउन सब कुछ, क्योंकि हमारे इधर आई थिंक बहुत लोग अब पब्लिक निकल रहे हैं, लोग बाहर घूम रहे फिर रहे, बट हम अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, और मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं अपनी सोसाइटी का रास्ता ही ना सोसाइटी का रास्ता ही ना निकलना कहाँ से जाना कहाँ। सच में हम 4 महीने से निकले ही नहीं घर से बाहर। मैंने एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे कि मैं पार्सल लेने गई थी, बिकॉज क्योंकि वो मेरे बिल्डिंग में नहीं आया था, वो दूसरे बिल्डिंग में चला गया था पार्सल, बस सिर्फ उस पार्सल के लिए मैं अपने बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में गई हूँ, नहीं तो मैं 4 मंथ से अपने घर से बाहर नहीं निकले, हमारे घर में से कोई भी नहीं, हाँ सिर्फ भैया मेरे निकलते थे बिकॉज ऑफ कॉस्ट, ऑफिस भी जाना रहता था कभी कभी, एंड खाना पीना एंड ऑल दैट, बट आई विश कि जल्द से जल्द ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। एंड मेरा बर्थडे भी आ रहा है एग्जैक्ट आज से 1 मंथ के बाद है 2nd September को, तो आई जस्ट विश कि तब तक खत्म हो जाए सब कुछ। तो थैंक यू ना, बुआ का रूम देखना चाहिए। नहीं मेरा रूम कभी, मैं कभी भी ऐसा यू नो जब मुझे व्लॉग करना रहता है ना, एक आइडिया दू क्या, अपना रूम टूर करो। हाँ मैं रूम टूर करूंगी, मैं वही बता रही हूँ ना कि जब भी मुझे व्लॉग करना रहता है, जिस दिन मुझे पता रहता है कि ठीक है आज व्लॉग करना है ना, तो मैं अपना बैड वैड ना सब सही कर देती कि यार कैमरे में अच्छा दिखना चाहिए, बट आज तो आ रहा है ना मेरी पोली खोल डाली पूरा बैड पूरा दिखा दी, सरप्राइज व्लॉग था। हाँ मेरे लिए सरप्राइज ही था, आ रहा है ना चालू कर दिया, आप मेकअप करो ये करो, मैं सब शूट कर रही हूँ, मैंने बोला ठीक है करो भाई। मैं तो इसको और लेंथी बना देती अगर बुआ थोड़ा सा बोलती केक कटिंग के टाइम पर। हाँ मैं बोलती, लेकिन मैं थोड़ा सा ये हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई, बट सब कॉल पे भी थे, मैं पागल होकर यहाँ पर शूट कर रही हूँ और वो कुछ बोल ही नहीं रही। सब कुछ आई थिंक सुबह से मेरे लिए सरप्राइज ही था, एंड आज का दिन मेरा काफी अच्छा था, सो थैंक यू सो मच जिन्होंने केक भेजा उनके लिए भी। That's it for this video. मैं मिलूंगी next video में. Till then, bye and be stylish.
एवरटीन ने लॉन्च किए हैं 6 डिफरेंट इंटीमेट वॉशेज, इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया है, स्पेशली फॉर मॉम्स बनाया है, स्पेशल फॉर टीन एजर, और भी फोम वाले वॉशेज है, बहुत ही अच्छे वॉशेज है, इफ़ यू वॉन्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो भी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी. Because intimate washes is very important, आपको definitely use करना चाहिए. Soap, ये सारी चीज़ें chemical की नहीं apply करनी चाहिए उस area पे, because वो area काफ़ी ज़्यादा sensitive होता है. So that's why you can buy this.